नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है उच्च गति आशुलेखन प्रतिलेखन संख्या 2, गति 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 अप्रैल से 6 महीने तक के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। विराम। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आज यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान 6 महीने की अवधि 16 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। विराम। उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। विराम। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को पूर्व में निरस्त कर चुका है। विराम। फिर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां पर यह मामला विचाराधीन रखा गया है। विराम। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग न करे, वहां सरकार के गठन की संभावना का पता लगाए। विराम। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है और यह बड़े खेद की बात है कि संसद का सत्र 20 मार्च से एक महीने के लिए स्थगित होने जा रहा है। विराम। इसलिए मंत्रिमंडल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का फैसला आज ही कर लिया है। विराम। सूत्रों के अनुसार यदि इस दौरान उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो उसे निर्देश पर कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार रहेगी। विराम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण गत वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, अब वहां सरकार का गठन किया जा चुका है। विराम। पैरा। आज रक्षा मंत्रालय मंत्री ने कहा कि देर सवेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। विराम। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था, इसी दह को लेकर के दोनों में बातचीत चल रही है। चीन के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। विराम। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। विराम। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। विराम। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस चीज में हमारा हित न हो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। विराम। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यह किसी भी हालत में किसी से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनाने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद हैं। विराम। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है, भारत उन ध्रुवों में से एक है।
अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनाने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। पूर्ण विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।